आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दो दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। राहुल ने अमेठी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर देश में महंगाई रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि देश में लोगों को आज तक उन 15 लाख रुपए का इंतजार है जो बार बार कहा जा रहा था कि काले धन को वापस भारत लाया जाएगा। आज तक लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों के साथ नजर आते हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं और उन्हीं उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं। ये राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अमेठी पहुंचकर हमला किया है। नेशनल हेरल्ड केस में कोर्ट के सामने पेश होने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेठी के दौरे पर है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर नागरिक को मिलेंगे, एक रुपया नहीं मिला। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए। बड़े बड़े मोदी जी के 3-4 उद्योगपति मित्र हैं, उनके तो अच्छे दिन आ गए, मगर शायद जितनी महंगाई आजकल हिंदुस्तान में है शायद पहले कभी नहीं रही। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी के पास। उत्कर्ष, ये मौका है जब प्रधानमंत्री रूस के लिए रवाना हो रहे हैं, बेहद अहम बैठक है प्रधानमंत्री की और उसी समय अमेठी में आकर राहुल सीधा हमला प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। ये बताएं, नेशनल हेरल्ड केस के बाद ये पहला मौका है जब राहुल वहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल आकाश, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो या अमेठी के स्थानीय सम्राट साइकिल केस का मामला हो, इन दोनों घोटालों के बाद आज राहुल गांधी यहां पहली बार पहुंचे हैं और उसके बाद जो अमेठी में सरगर्मियां तेज हैं वो इस बात को लेकर तेज हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं इन दो दिनों में, राहुल गांधी यहां क्या क्या करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना सबसे पहला निशाना जो बनाया है वो प्रधानमंत्री को बनाया है और उन्हें वो बातें दोहराई हैं जो वो अक्सर अमेठी में कहा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी ने एक भरे मंच से, जो कि उनका कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, वहां रुक कर जो अपना निशाना बनाया है राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री को बनाया है। बिल्कुल, ये बताएं कि यहां पर राहुल क्या दो दिन रहने वाले, कार्यक्रम क्या है उनका? बिल्कुल आकाश, राहुल गांधी का अमेठी में 2 दिन का प्रोग्राम है। आज अभी जो उन्होंने रास्ते में रुके इसके साथ ही साथ वो कुछ अमेठी के गांवों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो अमेठी में 2 स्थानों पर जो नए जिला प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधि चुने गए हैं और ग्राम प्रधान चुने गए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा कल भी राहुल गांधी जो अक्सर अपने अमेठी के दौरों पर करते हैं वो अचानक से कुछ गाँवों में निकलेंगे, वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, वो उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं समस्याएं जाने। इसके अलावा कल कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के यहाँ जाएंगे, 1-2 ऐसे स्थान है जहाँ की शोक के कार्यक्रम की नींव, कार्यकर्ताओं के घर में किसी का निधन हुआ है उनके घर वो सांत्वना देने मिलने जाएंगे। उत्कर्ष चतुर्वेदी, फिलहाल धन्यवाद, लेकिन आगे भी आपके पास आते रहेंगे और जानकारी के लिए।